यहाँ पे पार्क में घुसने के बाद देखिए भैया यहाँ पर घूमने के लिए ये भी हेलो दोस्तों, की हाल चाल, क्या हाल चाल, करते हैं आज की ब्लॉग की नई शुरुआत। दोस्तों आज मैं आया हूँ लखनऊ और मैं आपको यहाँ पर नेशनल पार्क जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पार्क है, मैं आपको उस पार्क कराऊंगा दर्शन और देखते हैं कि पार्क कैसा है, क्या सीन है, चलती है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं की हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगर मुझे आपने अब तक फॉलो नहीं किया है मैं चाहूँगा भेजिए आप या फॉलो ले लो कुछ ले रहा सही भेज जब आप आओगे उससे पहले आपने ले रहा टिकट जब आप तो मैंने फाइनली टिकट ले लिया है और आप देखिए ये इसका टिकट है और ये इसका मेन गेट है। तो आइए चलिए अंदर जाओ जतिन भाई, तुम भी जाओ। आपको तो फाइनली हम जनेश्वर पार्क में प्रवेश कर चुके हैं और हमें यहाँ पे टिकट चेक करा दी। तो आइए दोस्तों देखिए जब हम प्रवेश करते हैं सबसे पहले टैंक रखा हुआ है, तो ये देखिए आप टैंक। पार्क में घुसने के बाद सबसे पहले एक टैंक यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर ही पास में एक दूसरा टैंक वहाँ पर रखा हुआ है और अब आप देखिए वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट चलते अंदर। यहाँ पर ये फुहारा है जो कि फिलहाल बंद है, तो बाकी चलते हैं अंदर। देखिए एक टेडी बियर भैया, सामने श्री जनेश्वर मिश्रा जी का स्टैचू बना हुआ है और यहाँ पे ये एक एयरक्राफ्ट है और वहां पर एक झील है, वहां पर यहाँ पर दिख रहा है पानी पीने का प्रशासन और ये देखिए इसका चित्र है। कितनी सारी चीजें है, अगर कोई चलने में असमर्थ है तो उसको पूरा पार्क घुमाने के लिए यहाँ पर ये ई रिक्शा जो होती है यहाँ पे ई रिक्शा का भी पूरा प्रबंध है। तो आप सामने देखिए कितनी प्यारी झील है, कितना बड़ा पार्क है। यही ये महान व्यक्ति है, इनके नाम पर ही इस पार्क का नाम जनेश्वर मिश्रा पार्क रखा हुआ है। और आप यहाँ पे देखिए एयरक्राफ्ट, यहाँ पे इसके नीचे का ये है ये देखिए आप, और इसके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, भारतीय वायुसेना द्वारा प्रदत्त सुपरसैनिक एयरक्राफ्ट MiG-21 का लोक निर्माण श्री अखिलेश यादव जी ने जो पहले मुख्यमंत्री थी उन्होंने करवाया था। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, कितना टॉप हो रहा है। और यहाँ पर देखिए लाइट, रात में लाइट की व्यवस्था भी यहाँ सी, ये देखिए आप ये लाइट। तो दोस्तों चलो भाई आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ झील, जो यहाँ पर झील है। तो रेडी स्टेडी एंड गो।
देखिए आप झील, ये झील ऐसे चारों तरफ पे फैली हुई है। देखिए भैया यहाँ पर ये टैंक है पानी वगैरह भरने के लिए, और वे ये यहाँ पर ये है। यहाँ पर झील में मछलियाँ भी है, ये देखिए यहाँ मछली सांस लेने के लिए ऊपर आई हुई है। देखिए कितनी प्यारी झील है, ये देखिए आप। हम यहाँ खड़े थे और यहाँ पर फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप देखिए पार्क में चारों तरफ फुहारे चल चुके हैं, और पार्क में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहाँ भी फुहारे चल रहे हैं और वहाँ पर भी देखिए झील कितनी बड़ी झील है। यहाँ पर देखिए इनमें लाइटिंग भी है यहाँ पर और फुहारे भी है। यहाँ पर देखिए बहुत बहुत रोड है, वो झील वहाँ से होती हुई। बहुत बड़ा पार्क है जो एशिया हमारे महाद्वीप का सबसे बड़ा पार्क है, ऐसे ही नहीं है, बहुत बड़ा पार्क है। जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है वहाँ तक मुझे लोग ही लोग दिख रहे हैं। यहाँ पर घूमने के लिए ये भी है नाव जी, लेकिन इस जगह पर अभी बंद हो चुका है। देखिए आप छोटा सा घाटी टाइप इस पार्क में भी ऐसा है, आप देखिए। झील को पार करने के लिए यहाँ पर एक पुल भी है। देखिए आप यहाँ पर बहुत सारे पुल भी है ये पार करने के, और ये झील बहुत बड़ी है। तो दोस्तों पार्क बहुत बड़ा है, ये मुझसे पैदल कवर नहीं हो रहा, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं ई रिक्शा से इसे कवर करूं। तो अगली बार जब आऊंगा तब इसको ई रिक्शा से कवर करूंगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए पार्क के कर्मचारी यहाँ पर कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पार्क को इतना सुंदर बना के रखा हुआ है। तो इनकी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों बताना आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है, तो मेरी मेहनत के लिए भी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों अब मैं चलता हूँ घर। और ठीक है दोस्तों मैंने फाइनली जनेश्वर मिश्रा पार्क घूम लिया है, जो लखनऊ का और हमारे एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक ना की हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो में। जय हिंद जय भारत।